सही है। अभी हम यहाँ पे रख दे रहे हैं अपना मोबाइल. दो डिफरेंट शॉर्ट्स बन रहे हैं, एक फेसबुक पे बन रहा है, एक इंस्टा पे बन रहा है। तो आप फेसबुक वाले को भी हाई कह दो, वहीं पे हाय. रखो, दोनों एक ही जगह पे चालू हो जाएगा, ठीक है? दोनों लेफ्ट और राइट में रख, एक ही जगह पे रहे। बट हम तीनों छुप जा रहे हैं. कोई नहीं ना, हम पास आ जाएंगे ना ऐसे. सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर चंदा किरण से दूर थोड़ी ना होता है, सूरज किरण से होता है ना. जो है हमने गा दिया है, पब्लिक समझ ले. मैं कमेंट्स में लिख देना क्या है ये. सो हाय, दिस इज आरजी शैंकी, रेडियो सिटी 91.1 एफएम. हाय, दिस इज आरजी काजल राघवानी फ्रॉम रेडियो सिटी 91.1 एफएम. अब ये भी रेडियो सिटी की हो गई है और मैं कांजी बिन है और इस वक्त हम आगे हैं, दो जगह हम लाइव है, इंस्टा एंड फेसबुक पे. अच्छा, चीजें हुई हैं आज, नया साल आने को है, पुराना साल जा रहा है और ऐसे में कुछ जा रही है. मेरा यार 2019 मेरे लिए बहुत लकी रहा है एंड सीरियसली मैं 2019 को बहुत मिस करूंगी. सो शैंकी एंड विनय, आप बताइए आपके लिए 2019 कैसा? नहीं, हमारी तो दोनों की जा रही है क्योंकि आप आरजे बन गए हो तो हमारी नौकरियां जा रही हैं. स्पेशली आज मतलब साल का आखिरी दिन है और ऐसे में आपके साथ मतलब बातचीत हो रही है तो लकी हो गया हमारा, सफल हो गया. हाँ, नहीं नहीं, डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपका जॉब नहीं छीन रही हूँ. बट यस, मैं लाइक जब भी मैं बिहार आऊंगी आपको परेशान करने में आ रही हूँ. हम तो मतलब मैडम चाहते हैं, हम तो चाहते हैं आप हमें परेशान करो. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के साथ एंड मैं पूरे बिहार से बात कर पा रही हूँ एंड मैं यहाँ वेरी एक्साइटेड एंड मैं बहुत हैप्पी भी. हैप्पी न्यू ईयर गाइस, आप सभी को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं. अच्छा, बहुत सारे साल 2019 में बहुत सारे हिट गाने, फिल्में भी आपकी आई, तो सबसे हिट गाना आपको कौन सा लगता है? सबसे हिटली अभी मेरा एक सॉन्ग आया है सेटिंग करा के जा, जो कि ट्रेंडिंग पे भी था और खेसारी जी ने सिंग किया है और जो फीमेल है सिंगर उन्होंने किया है. सो यस, अभी तो फिलहाल जो ट्रेंडिंग में था तो यस ऑफ कोर्स फेवरेट है मेरा. जाते जा रहा है और अभी और आ रहे हैं कबाड़ी कबाड़ी, बहुत फनी सॉन्ग है. आप हंसोगे, हंस हंस के पागल हो जाओगे, इतना फनी सॉन्ग बना है. अच्छा, वो आप जो डीजे डीजे वाला गाने का जो बता रहे थे ना, यस, वो सेटिंग करा के जा है और एक कबाड़ी सॉन्ग भी जो अभी रिलीज होने वाला है, तो आप सब वो देखिए. जो अच्छा, हाँ अच्छा, मैं पहली पहली बार आपसे ये पूछने की हिम्मत कर रहा हूँ. हिम्मत कर रहे हैं मतलब पता नहीं क्या पूछने जा रहे हैं. ये सवाल रेडियो पर अक्सर पूछता हूँ, लेकिन दिस इज करंट अफेयर. करंट अफेयर अरे गाइस, करंट अफेयर्स की सवाल पूछने में ना ऐसी. चलो, क्रिकेट की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट की टीम में ना 11 खिलाड़ी होते हैं. ब्यूटी विद द ब्रेन. अच्छा हाँ भाई, ये तो तू सही कह रहा है. हाँ, CCL BIPL कराते हैं, सो यस हम उसमें जाते हैं. भैया यही है तो फिर तो बता दो ऐसी PM 2.5. तो तुम तो स्केल बता रहे हो, मैंने कैपिटल. चलो पास कर दिया हमने आपको. तीसरा, और ये बहुत टफ है, ब्रेकिंग न्यूज टीवी मंच पे काजल से पूछा नहीं गया करंट अफेयर का सवाल. हम 120 का था आई थिंक 1 kg मुंबई में. यस हाँ, के भाव में प्याज बिक रहे, भगवान जी जल्दी प्याज ज्यादा उगा दो और सस्ते हो जाए. प्याज के बगैर ही खाना बन रहा है ना भाई. बिना 2019 बन गया हमारा, कितने प्यार से करे भगवान जी, मान लेना बेटा तुमने कहा ना. जा, इस साल तो प्याज खूब उगेंगे. या फिर सोना ही दे दो प्याज के भाव में. जो लोग देख रहे हैं कमेंट में बताएं, प्याज बहुत महंगे हो गए हैं तो लोग होते हैं ना, जैसे सोना गिरा है, पैसे गिर रहे हैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और मतलब हाईला मेरे को क्या मिल गया ऐसा वाला जो होता है वाव मोमेंट. और वहाँ पे एक जो उसमें से क्राउड में से ही आए थे तो एक आदमी को वहाँ पे वो रोल के लिए बोला गया था, तो उनको कपिल जी ने टास्क दिया था कि भाई तुमको ये खुशी आ जाएगी अंदर, तो उसके बाद जो आपको रिएक्ट करना है, खुशी भी है, पागल भी, पागलपन भी दिखाना है, डांस भी करना है. बाप रे बाप, उसने क्या किया ना. मैंने बोला यार तुम मतलब, वो उसको ये भी मिला, विनर भी बना वो उस एक्ट का,
सुपर एक्टिंग, बिकॉज आजकल प्यास को देख के यही फीलिंग होती है सबकी. अच्छा ठीक है गाइस, आप जो सब देख रहे हो न्यू ईयर लोग देख भी रहे हैं, हेलो हाय उनको, हेलो हाय भी, हाय सॉरी मैं आपको हेलो हाय करना भूल गई. मैं मुकेश यादव जी ने कहा गुड मॉर्निंग काजल जी, हाय गुड मॉर्निंग, विश यू अ वेरी हैप्पी 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 वाला न्यू ईयर. भूषण जी, भूषण राज हैं, मेरा नाम बिल्कुल सिंह है, मनीष कुमार, मोहम्मद अख्तर खान है. बस अभी हम पटना में हैं और मैं रेडियो सिटी में आई हूँ 91.1 FM के स्टूडियो में, और शैंकी है हमारे साथ, हमारे बिहार के पटना के RJ शैंकी और विनय जी. सो मैं यहाँ पे बस इन लोग के साथ आज ये RJ बन गई, हम बता रहे हैं एक्चुअली अब काजल नेक्स्ट फिल्म बनाने का, तो उसमें शैंकी भाई को विलन बनाया, मैं हीरो हूँ और मैं एक्ट्रेस हूँ और मैं RJ विलन के साथ ही भाग जाना, इस सिनेमा का नाम यही है. नहीं मैं फिल्म छोड़ रहा हूँ. कह रहा फिल्म छोड़ रहा हूँ. अच्छा नहीं, हम तो ये बता रहे हैं आज ही RJ बन गई. हाँ. अब आपको ना एक चीज और बताते कमाल की, आप जब भी पटना आते हो और पटना आकर के लिट्टी चोखा खाते हो, तो जहां से खाते हो उन्हें शायद ये पता हो ना हो कि आप खाते हो, पर आपको उनके बारे में ये जरूर पता. नहीं, उनको भी पता है मैं खाती हूँ, बिकॉज मैं हमेशा आती हूँ तो मैं उन्हीं के पास जाती हूँ और वो मुझे फ्री में खिलाते हैं. कहाँ कहाँ बता दो, बता दो. आपको नहीं देंगे, मेरे को ही देंगे ना. हाँ, नहीं हमें तो ठीक है ना, हम आपके साथ गर्मा गर्म गलत बात है, हम भी पटना वाले हैं. अच्छा आपने मतलब आपने आपको बताया ना आपका पोस्टर भी लगा रखा उन्होंने, उन्होंने एक्चुअली ना खेसारी जी का पोस्टर लगाया था. सुनो बात, खेसारी जी का पोस्टर लगा हुआ था उसमें तो, और एक साइड और लिट्टी चोखा था, उसमें पवन जी का था. मेरा टशन लग रहा है यहाँ पे. ब्लॉकबस्टर लिट्टी, में ब्लॉकबस्टर है उस वाले में डबल ब्लॉकबस्टर. मैंने बोला मैं तभी खाऊंगी, फोटो लगाओगे तो लगा लिया भैया हमको कि हमने फोटो लगा दिया. सो नाइस. उन्होंने गर्मा गर्म लिट्टी, और मुझे सिर्फ अकेले नहीं, मेरे साथ लोग भी जाते हैं, उनको भी खिलाते हैं. और इतने दिल वाले हमारे. नहीं नींबू पानी का जुगाड़ है हमारा दोस्त, मैंने नींबू पानी पी लेना बिल्कुल और खा के ही आएंगे आज, तो आपको बता देंगे भैया हम भी. बट मेरा ना लिट्टी चोखा मेरा फेवरेट बन गया है. अच्छा खिचड़ी तो आप अब वो प्रॉपर डाइट वाला फंडा हो गया होगा या पसंद है? खिचड़ी, आई लाइक खिचड़ी पहले से. हाँ खिचड़ी मेरे घर में लाइक महीने में 20-25 दिन तो खिचड़ी का तो त्योहार भी आने वाला है. जनवरी में हमारे यहाँ मकर संक्रांति, हमारे यहाँ भी जैसे आप लोग के यहाँ चावल होता है, चूड़ा है, दही नहीं, नहीं वो खिचड़ी वो अलग खिचड़ी, एक चावल की भी खिचड़ी होती है. हाँ 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 वो वाले खिचड़ी तो हमारे. अच्छा चलो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल आपको ना बताते हैं, आने के बाद जो पहला एक्सपीरियंस होता है वो कैसा होता है? तो बस फ्लाइट से हम लैंड कर जाए और टेक ऑफ हो जाए, बस वो हम जंग जीत गए इतना है. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, विमान के दो द्वार, आगे के दो द्वार, पीछे के दो द्वार, ना खुले तो हरिद्वार. वो और ऊपर से जब लैंडिंग होती है ना तो आधा रनवे छोड़ देते हैं, उसके बाद नीचे टायर उनका रखते हैं, तो मैं भगवान से प्रे करती, भगवान भाई जल्दी टायर रख दे ये और जल्दी से फ्लाइट रुक भी जाए, नहीं तो एकदम अचानक से ब्रेक मारते हैं, ऐसे ऐसे लैंडिंग होती है. बट हेड्स ऑफ वो सब पायलट्स को जो हमें सेफली यहाँ पे लैंड करवाते हैं और टेक ऑफ भी करवाते हैं. अच्छा यू वुड मीन लाइक मैं अगर बोलूँ कि मोस्ट सर्च 2019 भोजपुरी एक्ट्रेस की जब भी बात करें, सो इट्स यू, कैसा लगता है ये द मोस्ट सर्च का वो आइकॉनिक अवार्ड, लाइक बिकॉज यू नो पीपल फॉलो यू, आपके पहले दिन के शो से लेकर के अब तक के शो, पहला शो, लोग आपके डाई हार्ट फैन हैं. जब मैं न्यू आई थी तब मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं गुजरात से हूँ और बिहार लाइक अलग ही हो गया पूरा सारा चीज, तो मुझे पता नहीं था कि मुझे इतना प्यार मिलेगा यहाँ पे, कि यहाँ पे मैं इतने फॉलोवर्स होंगे इतने. बिहार में आपको विनय भी मिला, देखो विनय भी मिल गया ये. हाँ नहीं आप बताओ कब कंटिन्यू करो, आपके इमोशंस तोड़ दिए हमने. सो लाइक बहुत मैं बहुत हैप्पी फील करती हूँ और बहुत इमोशनल भी फील करती हूँ कि मुझे लाइक मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना प्यार मिलेगा यहाँ पे, और आज इतने हमारे फॉलोवर्स हैं, लाइक्स होते हैं, गाने अगर अपलोड होते हैं तो मतलब
मिलियंस हो जाते हैं. यस एग्जैक्टली. तो गुजराती हो के बिहार में इतना प्यार मिल रहा है तो बस मैं हाथ जोड़ के मैं आप सबसे बस धन्यवाद कर सकती हूँ और थैंक यू सो मच कह सकती हूँ. और मैं हमेशा कोशिश करूंगी मैं आपको हमेशा एंटरटेन करते रहूँ. सच्ची लगन और सच्ची निष्ठा से आपका काम बोल रहा है. सीरियसली काम बोल रहा है क्योंकि मैंने जब इनसे बात की और आई लव माय वर्क और मैं अपने वर्क को लेके बहुत पंक्चुअल हूँ और मैं हैप्पी रहती हूँ अपने वर्क को लेकर. चाहे कितना भी झगड़ा हुआ उसके पहले मैं रोई हूँ मैंने कुछ किया हो बट मैं जब अपना शॉट देने जाती हूँ तो मैं सब भूल जाती हूँ. ऑन एंड ऑफ मतलब सीधा. हाँ मैं भाई तो मुझे करना है काम तो मेरा है यही है. शूटिंग टाइम पे बहुत सारे लोग प्रैंक करते हैं. कभी ऐसा किसी ने प्रैंक किया हो आपके साथ या फिर आपने किसी सबसे बड़े प्रैंकस्टर कौन लगते हैं आपको सेट पे? नहीं आज तक मेरे साथ ऐसे कोई फेस नहीं हुआ है. मैंने फेस नहीं किया सर. हम लोग लेकिन पहले पहले थे ना थोड़ा सा तो मस्ती करो वो नाम नहीं ले रहे थोड़ा सा कर लो थोड़ा प्रैंक अभी कर बिच्छू सांप या फिर वो छिपकली नकली वाली आती ना वो थोड़ा लेके. अरे रियल वाले प्रैंक होते हैं ये तो छोड़ो. मैं राजपिपला करके प्लेस है हमारे गुजरात में तो सब बोलते हैं वहाँ पे भूत होता है वहाँ की जो रानी है वो घूमती है वहाँ को रात में और मे बी शायद सच भी है ये. नहीं भूत होता है? भूत नहीं होता है. नहीं है पीछे नहीं आपको लग रहा होगा ये विनय. मेरी स्टोरी सुनो. तो एक मैं शूट कर रही थी हुकूमत फिल्म आई थी मेरी. अच्छा. बहुत अच्छी चली पवन जी के साथ के तो उसके गाने भी बहुत हिट हुए. तो उस शूट के दौरान मेरे साथ ये घटनाएं हुई थी. मेरा फोन मेरे नीचे रूम में था बेड पर और मैं टेरेस पे गई थी ऐसे ही वॉक कर रही थी और नीचे फोन था इवन वाइब्रेट पे भी नहीं था और ऊपर मुझे वाइब्रेशन का वॉइस आ रहा था. अच्छा वो मेरी गली में बहुत है लेकिन पता चला दिन में कुछ और ही दिख रहा था. क्या था? वो एक बोरा था रखा हुआ और मैं सोचा इंसान है रात में भाग गया. दिन में देखा तो बोरा था. वेरी बैड. लेकिन हाँ ये चीज है बट डर का ना थोड़ा सामना कर लो थोड़ा फीवर उतर जाता है. सामना नहीं करने का भागने का मन करता है उस वक्त. भाई भाग जाओ बाद में. मेरे साथ आज सुबह ही घटना घटा एक. क्या? मैं सोई थी. हाँ. और हमने सोई थी और जैसे ब्लैंकेट हम ओढ़ के सोते हैं ना तो जैसे कोई वॉक करेगा तो हमें फील होगा ना ऐसे ऐसे वॉक करके आएगा. तो वही चीजें मेरे साथ आज हुई. कोई ऐसे लग रहा था मुझे वॉक करके मेरे पास आ रहा है और मुझे उसने पकड़ लिया ऐसे और मैं भी पूरी ऐसे झकड़ गई थी. फिर एक दो मिनट बाद फिर मैं फ्री हुई. सो ऐसे मेरे साथ हुआ. रियल घटना घटी. भूत को भी पता होगा. काजल मैं मजाक नहीं कर रही हूँ सीरियसली हुआ ये. हे भगवान विनय आज ना नया साल विनय एक और हो जाए खाली हॉन्टिंग कहानी सुना रहे रात में. आज किसी को साथ में लेके सोना भाई. मैं नहीं, एक तो आज 31st है. ऐसी जगने का मन था. ऊपर से आपने ऐसी कहानियां सुना दी कि एक तारीख की भी आप जग नहीं. मेरे साथ ना ये होता है कि मैं जब अगर सोती हूँ ना तो सामने टीवी या दरवाजे ऐसे कुछ होते है ना सो मैं जब भी अपनी आंखें अचानक से जैसे खुल जाती है तो सामने देखो ना तो ऐसे वाइट कपड़े में एक औरत खड़ी दिखती है. और अगर टीवी पे या ग्लासेस पे कहीं नजर चली जाती है ना सामने हो मिरर या ऐसे कुछ तो उसमें एक वाइट कलर का पूरा गाउन पहन के औरत ऐसे ऐसे नाच रही है ऐसे 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 गोल 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 गोल. जो आप लोग सुन रहे हैं हम लोगों के साथ काल्पनिक ही होना चाहिए. अरे ये मेरे साथ रियल घटना होती है. देखो आप तुम देख मजाक नहीं कर रही हूं. नहीं ये देखो खूबसूरत लड़कियों को वहम होते हैं ये सत्य है. ये नई रिसर्च से पता चला है. देखो यार वो व्हाइट वाली और खूबसूरत वो लड़की तो मिलेंगे उसे तो वहम मिलेंगे. देखो वो व्हाइट वाली औरत मैं आपको बता देती हूँ मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ यू नो आपको आप भी जानते हो इनको समझा दो आना तो मैं मैं कौन सा अमिताभ बच्चन मुझे बजाते रहूंगा मैं भाग लूंगा वैसे मिल्खा सिंह बात यार मैं प्रे करती हूं बता फरहान अख्तर की स्टाइल में निकल लेना नींबू मिर्च लगा के सोएंगे. मैं ना प्रे करती हूं जब कोई ऐसी कहानियां भी सुनाता है ना भूत कोई मुझे आत्मा मिल जाए और बहुत अमीर हो वो आत्मा जो अमीर रही हो तो और वो मेरे आए सपनों में और मुझे बोले कि आओ 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 और वहां ले जा जहाँ खजाना छुपाया उसने. But I don't believe into so, और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी बन जाए जिससे मेरी दुश्मनी है या खजाना मिल जाए जहाँ मुझे गुस्सा आए जिसके ऊपर मैं उसको बोलूं भाई तू इससे बदला ले जा वहीं ले जा
रियल घटना सुना रहा हूँ, ये पटना की है। और मतलब अगर आप पटना, चूंकि अभी आप आए हो, आप जिस होटल में रह रहे हो ना उसके ठीक पीछे की घटना है ये। सो व्हाट हैपेंड इज देयर वाज अ कपल और घूमने फिरने जाते थे, और आप सबने भी सुनी होगी न्यूज़पेपर्स वगैरह में काफी आया था, तो घूमने जाते थे और हादसा हो गया, सड़क हादसा हो गया जिसमें लड़की की मृत्यु हो गई। कौन से होटल में मैं रह रही हूँ आपको पता है? मुझे जानता हूँ, आप शगुना मोड़ के पास। कौन सा मोड़? अभी फेसबुक पे लाइव है। नाम बताओ मेरे को। हम सबको बता देंगे, पहुंच जाएंगे। नहीं 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 नहीं, नाम बताओ मुझे, तब मैं मालूम थी। शगुना मोड़ के पीछे वाला, बस मैं इतना बता दूं इलाके का नाम। नहीं बट ये घटना सर, हम शगुना मोड़ के पीछे मेरा होटल है। या ठीक है, शंकी भाई के लिए तालियां, बहुत सही जवाब। भैया जासूस हमारे पूरे शहर में फैले हुए हैं। हम होटल का नाम इसलिए नहीं बता रहे, आप पहुंच जाओगे वहां पर ऑटोग्राफ, ये कोई बात हुई? हाँ तो हम बता रहे ना आपको। तो विनय क्या हुआ कि बड़ा इंटरेस्टिंग है यार ये कहानी। तो मतलब लड़की की मृत्यु हो गई। अब क्या हुआ, द गर्ल शी वॉज एट घर पे थी, और वो जमाना अभी मोबाइल फोन उतने आए नहीं थे, PNT थोड़ा चल रहा था। तो अचानक और लड़की के घर पे फोन आया, लड़की ने फोन उठाया और उसने पूछा हेलो, लड़की ने कहा तो उधर से आवाज़ नहीं आई, लड़की ने पूछा हेलो, आवाज़ नहीं आई। तो जाहिर सी बात है हमारे घरों पे जैसा होता है कि कोई लड़कियों को परेशान कर रहा है तो लड़कियां क्या करती, मम्मी पापा को बता देती। तो लड़की ने बोला कि ठीक है अभी अगर ऐसे दोबारा एक दो बार रिंग बजेगा तो मैं बता दूंगी। तो थोड़ी देर बाद जब फिर दोबारा रिंग बजा, लड़की ने बोला कौन बोल रहा, चप्पल खोल के मारूंगी। तो लड़के की आवाज़ आई और ये उसी लड़की की आवाज़ थी जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। मतलब अब उसने कहा कि तुमने पहचाना नहीं मुझे, एक्स बोल रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ, मेरा नाम ये है। तो लड़की को लगा कि कोई प्रैंक कर रहा है उसके साथ, मतलब जो मर चुका है उसकी बार उसकी आवाज़ कैसे आ सकती है फ़ोन से। अब क्या हुआ कि उधर से लड़के ने मतलब बहुत सारी कोशिश की बनाने की कि मैं हूँ मैं ही हूँ, बस लड़के ने एक बात जो कही लड़की को जो समझ में आ गई, वो कहा कि तुम्हारे कुर्ते में से खून का दाग हटा क्या। एंड नाउ दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट, क्योंकि यहीं से कहानी बिगड़ती है कि थोड़ी डर गई लेकिन फिर भी उसने लड़की अपनी जिंदा थी। लड़की जिंदा थी तो लड़की ने अपने पेरेंट्स को बता दिया। हाँ। ये बात तो पेरेंट्स ने क्या किया कि लगता है कि किसने अफवाह उड़ाई है, सो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एक काम करते हैं हम पुलिस को कंप्लेन करते हैं। तो लड़की ने बोला, अब डेली लड़की को ठीक शाम में 5 बजे फोन आया और ये हफ्ते भर से चल रहा था। एक दिन लड़के के फादर ने फोन उठा लिया, तो लड़की के फादर को बोला अंकल आप अपनी बेटी को दीजिए फोन और उसे पूछिए कि उसके कुर्ते में से खून का दाग हटा क्या। नाउ काजल आप भरोसा नहीं करोगे, पटना की घटना है। व्हाट हैपेंड इज पुलिस आई, ठीक है उस लड़के को घर बुलाओ, सब घर के अंदर फर्स्ट फ्लोर में घर, पुलिस आ गई, ग्राउंड फ्लोर में भी पुलिस है। फोन आया तो लड़की ने बोला कि तुम एक काम करो तुम अभी मुझसे मिलना है। लड़का बोला 5 मिनट में आता हूँ। लड़के को ये पता नहीं वहाँ पुलिस है, नीचे ग्राउंड फ्लोर है। 5 मिनट बाद घर का बेल बजा, खोला दरवाजे के बाहर कोई नहीं, नीचे पुलिस वाले से पूछा पता नहीं। लड़की ने बोला कि क्यों पुलिस देख के डर गए तुम, आना है तो आओ। लड़के ने बोला मैं फिर आ रहा हूँ। इस बार घंटी बजी, लड़के ने एंड गेस व्हाट यू व्हाट, खून में हालत में लड़का सामने खड़ा था, सामने खड़ा था रियल में। लड़की को यूं देखा, कहा तुम्हारे कुर्ते में से खून का दाग हटा। नहीं, लड़की भागने लगी, लड़का उसके पीछे पीछे, तुम्हारे खून तुम्हारे कुर्ते में से खून का दाग हटा। लड़की ने बोला नहीं, लड़की बाथरूम में, लड़का उसके पीछे बोला खून का दाग हटा। लड़की ने कहा नहीं हटा। पता है लाश ने क्या कहा, सर्फ एक्सेल यूज करना था ना, धो लेती ऐसे। ओ गॉड यार, सर्फ एक्सेल आप ही बना, हम छोड़ देंगे क्या खून का दाग। उसने पहले कह दिया था नहीं हटा तो लड़की को बता देता सर्फ एक्सेल है, ऐसे दाग वैसे दाग कैसे भी दाग हट जाते हैं। का सोच रहे। इस घटना किसी सत्य घटना से कोई वास्ता ही नहीं है। नहीं वही में मैं भी यार, मेरे साथ सत्य घटनाएं घटी है। एक बार सो रही थी रात को और फोन जो होता है होटल में तो बार बार बजे जा रहा है, मैं उठा रही हूँ फिर एंगेज हो जा रहा है, फिर रख रही हूँ फिर बज रहा है, फिर उठा रही हूँ कोई नहीं बोल रहा है, फिर रखा, कम से कम 10-12 बार ऐसी चीजें हुई, फिर मैंने साइड में रख दिया। क्या था ये? फोन। फोन ही था? नहीं था, पर फोन था। नहीं, भूतिया फोन था वो, ऐसी बज रहा था। हाँ
गाइस मैं एक बार बता रहा हूँ, आज 31 ना बहुत हॉन्टिंग होने वाली है। काजल ने हमें डरा, हम डरने वाले हैं थोड़ी देर में। मेरे साथ रियल घटनाएं घटी है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। नहीं हमने पढ़ते हैं है, एक दिलीप जी ने हाय लिख दिया है, जानू हो आना कल ही आ जाना। नाइस रियली मैम, आप डर गए थे के बारे में पता नहीं, लिटरली मैं बता रहा हूँ। नहीं यार शूटिंग में बहुत ऐसी घटनाएं घटती है ना, जो हम लोग अब क्या करें, अकेले रहना पड़ता है। बट हार्म नहीं करते है वो, कोई भगवान कोई मिला तो ऐसा जो मेरा हेल्प करे, जो बहुत सारा खजाना। हाँ भाई सही कह रहे हो, 1 करोड़ भिजवाया हम लोगों को। हाँ। सही बात है। ओके तो रैपिंग इट अप, और जाने से पहले ये बता दो आप अपने सारे फैंस को नववर्ष की शुभकामनाएं। हाँ, तो नहीं साथ ही आज का क्या सीन है? आज 31st है और आज हमारा इवेंट है। हम लोग आज मेरा इवेंट है एरिया 16 दानापुर गोला रोड। सो आप सब जरूर आए और हमें आप सबका इंतजार रहेगा। मेरे साथ पूनम दुबे जी है जो भोजपुरी की एक्ट्रेस है, और आप सब जरूर आए। और दीपक दिलदार है जो हिट सॉन्ग्स दिए हैं, आरा के उठलाली भी उनका सॉन्ग है, और रिंकू जी है, शैंकी, विनय और राजीव, ये हमारा सब है। सो आप सब जरूर आए और आप सबको ना न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। लव यू ऑल, टेक केयर, और